हम युवा पीढ़ी को आ, कहना चाहते हैं कि अभी युवा पीढ़ी लोग बहुत सारा कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई इंजीनियर बनना चाहता है कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है हम बोलते कभी तो टीचर बन के दिखाओ ग्लोबल आर्टिस्ट फोरम तरफर पूरी बेलाभूमि एक चित्रकला प्रदर्शनी अनुष्ठित होती है দে ৰাজ্য তথা ৰাজ্য বাহে বাৰু অনেক চিত্ৰশিল্পী মানে আিয়াৰা কলাকৃতি প্ৰদৰ্শন কৰি ভিতৰত এক আকৰ্ষণীয় ভূমিকা নিভাই পশ্চিমবংগৰ ৰঞ্জন কুৰ্মী সি শাৰীৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণ অক্ষম আৰু নিজ গোড়ৰে সেই চিত্ৰ কৰি নিশ্চিতভাৱে সমস্ত আকৰ্শৰ কেন্দ্ৰবিন্দু পালি থাকে আমাৰ পশ্চিমবংগৰ ৰঞ্জন কুৰ্মী যোড়ি তাত আলোচনা কৰিব আকৌ স্বাগত কৰিুজৰ পেলাই কথা আপ কে ঠিক হে ই আপনে পেৰোমে আৰ হে ये लगभग कितने साल से आपकी प्रैक्टिस चल रहा था ये लगभग आप आ, मेरा चार साल उम्र तब से ये प्रैक्टिस चल रहा था तो मेरे असल में मेरा पढ़ाई में थोड़ा कमजोर थे हम तो मेरा पेंटिंग में थोड़ा हम अच्छा ड्राइंग करते थे आपका मतलब है बचपन से आपका पेंटिंग में बहुत शौक था बदद लेकिन बदद ये चार साल से पहले पूरा हुआ हाँ 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 ये चार साल की उम्र से ही हमको ड्राइंग का ड्राइंग का आदत लगा और उसके बाद हम आ, आज 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 मेरा साढ़े तीन सौ स्टूडेंट है साढ़े तीन सौ स्टूडेंट को हम ड्राइंग सिखाते हैं और उसके बाद आ, और कुछ कुछ बहुत मैंने वो पैसा देने नहीं सकता वैसे भी बहुत स्टूडेंट है हमें हम, आए हैं पूरी बीच में ग्लोबल आर्टिस्ट फोरम के पार्टिसिपेट आपने किया है आपने काफ़ी सारा तस्वीर भी आप बनाए हैं पैरों में बनाई है ये तकलीफ़ होता है नहीं तकलीफ नहीं होता है प्रेटीश हम, प्रेटीश हम हम धल लीजिए बारह से तेरह घंटा हम प्रैक्टिस करते हैं दिन में अभी भी हम साल में एक लाख ऊपर हम पेंटिंग बनाते हैं हम थकते नहीं हैं मतलब आप बचपन से आपका शौक था पेंटिंग करने में बचपन से ही मेरा शौक था पेंटिंग करने में और मेरा आर्ट लाइफ हम हम आर्ट को कभी नहीं भूल सकते हैं आज आपने क्या क्या बनाया है जो ऑडियंस ने थे जो स्टेज में जूरी थे वो क्या के रहे के, क्या देखे क्या क्या तस्वीर आपने बनाए थे आज आज बाबा जगन्नाथ देव के एक, एक टेंपल हम बनाए थे लैंडस्केप एक किए थे दो लैंडस्केप किए थे बस और और उसके बाद फिर आउट मन था करने का लेकिन शाम हो गया <laughs> कभी मन में आया हाथ नहीं है मेरा हाथ न, मेरा मतलब हाथ चल नहीं रहा है कभी मन में दुख आया सारे लोग हाथ से काम करते हैं लेकिन आप पैरों में काम करते हैं थोड़ा शायद दुख होगा हम नहीं दुख क्यों होगा हम ये 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 भगवान का दिया हुआ है और अगर हम सोच लेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकेंगे हाँ, हम रास्ते में आए ये चीज नहीं करना है अपना पावर रखना है, हमको हमको पढ़ाई करना हमको हमको ये करना है ड्राइंग सीखना है आज मेरे स्टूडेंट लोग आज स्कूल का टीचर है आज मेरे स्टूडेंट लोग मेरा का टीचर है हमको कितना गर्व होता है कि मेरे स्टूडेंट लोग सब अभी स्कूल का टीचर बन गया लगभग आपने कितना तस्वीर बना चुके हैं अब तक एक लाख के ऊपर बना चुके हैं तस्वीर ये तो रिकॉर्ड हो गया एक लाख से ज्यादा रिकॉर्ड है सब, पर, सब, पर. हाँ, 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 सब 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 पर पर वाटर कलर वाटर कलर हम वाटर कलर हम ज्यादा पसंद करते हैं हाँ. जो लोगों ने आज देखा है आपको पैरों में अपने तस्वीर बना है फीडबैक क्या आया लोगों का मन में बहुत ज्यादा बहुत खुश हुआ मन कहाँ बताए हम वहाँ पर ड्राइंग करने नहीं सक रहे थे इतना, इतना ये हुआ और कुछ आप ये बताएं हमको पूरी में आए हैं महाप्रभु महा, महा जी का तस्वीर है महाप्रभु महाप्रभु जी के महा दर्शन हम हम आज से नहीं हम पंद्रह साल से कर रहे हैं और रिसेंटली हम दो महीना पहले आए थे दो महीना पहले हम आके टेंपल बना के गए हैं और हम पंद्रह साल पहले भी जब आए थे तब भी हम पेंटिंग का सामान लेके आते थे तब हम घूमने आते थे लेकिन हम सी बीच में या इधर नहीं जाते सी बीच में बैठ कर हम पेंटिंग करते थे सारा आदमी लोग भीड़ लगा देता था कि पैरों से पेंटिंग कर रहा या, पेंटिंग या, कर है पैरों से पेंटिंग कर करना चाहता था आज का ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है सी बीच में पेंटिंग करना काफ़ी सारा लोगों के सामने पेंटिंग करना ये एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा देखिए मेरा आज चालीस साल हो गया हम आज मेरा उम्र हो गया तब से हम पेंटिंग कर रहे हैं ये ये अनुभव है ये अनुभव है कि सारा लोग आ जाते हैं पेंटिंग देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है अब से मैं ये जानना चाहती हूँ ऐसा कौन सा आर्ट है जो आपका लाइफ बदल दिया है एक एक आर्ट था वो इंदिरा गांधी का आर्ट था वो ऑयल में हम किए थे वो दिल्ली में उसका सेल आउट हो गया था वो बहुत बेहतरीन उनके जो आँख था ऐसा किया था कि वो वो लोग देखते ही बोला कि ये कुछ बोलने मांग रही है वो आठ वो लोग सेल आउट हो गया आज का युवा पीढ़ियों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं क्योंकि आप जितना कॉन्फिडेंस लग रहे हो पैरों में आठ करना ये इतना आसान नहीं है लेकिन आपके लिए आसान हो गया क्योंकि लगभग लग बहुत पहले आपने प्रैक्टिस किया है तो आज का युवा पीढ़ियों को आपने आप क्या, क्या संदेश देना चाहते हैं कॉन्फिडेंस कैसे बजाय रखे वो हम युवा पीढ़ी को आ, कहना चाहते हैं कि अभी युवा पीढ़ी लोग बहुत सारा कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई इंजीनियर बनना चाहता है कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है हम बोलते कभी तो टीचर बन के दिखाओ टीचर बनो टीच, टीच टीचर टीचरिंग में भी बहुत बहुत कुछ है आ, आपका दिन कैसा करता है पहनते कैसे हैं पैंट शर्ट खाना कैसे खाते हैं ये तो थोड़ा बताएं हमको देखिए हम चम्मच से चम्मच से हम खाना खा लेते हैं हम सारा काम पैर से कर लेते हैं नहाना से लेकर दुहाना तक मेरे कली ही शर्ट पहन पहना देते हैं बाकी सब हम काम कर लेते हैं ऐसे कोई तकलीफ नहीं होता है क्या लक्ष्य है आगे जाकर क्या करेंगे आप ये पेंटिंग लाइन चला चला रहेगा आगे जब तक जब तक जब तक जियेंगे तब तक पेंटिंग लाइफ चलते रहेगा क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है हम जानना चाहते हैं कि आप क्या इनकम करते हैं आपका परिवार कैसे चलता है आप शादीशुदा है नहीं शादीशुदा नहीं है सोर्स सोर्स सो, सर इनकम क्या है जानते हैं ये जो हम ये एग्जीबिशन में जो कुछ जो फोटो भेजते हैं भाई यहाँ पर वर्कशॉप करते हैं यहाँ से कुछ पैसा मिल जाए और कोचिंग जो कराते हैं मेरा ड्राॅइंग ड्राॅइंग कराते हैं तो उससे ही थोड़ा बहुत मेरा आ जाता है हम हम पैसा के पीछे नहीं जाते हैं हम आर्ट के पीछे जाते हैं मेरा आर्ट इज लाइफ लाइफ इज आर्ट

जदि आपण को आम भिडी भल तबे तेब चैनल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी तो नहीं